हेलो, मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज का वीडियो हमारा ख़ास तौर से उन छात्रों के लिए है जो मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी समय से वैकेंसी नहीं आ रही है, तो चिंतित भी है। मुझे फ़ोन लगा लगा करके मैसेज करके बार बार पूछते हैं कि सर MPSI कब आ रही है। तो उन्हीं छात्रों के लिए मैंने ख़ास तौर से ये वीडियो बनाया है, तो इसको ध्यान से देखें और समझें। तो इसमें मैंने एक शब्द लिख रखा है आपका, एक सुनहरा अवसर। एक सुनहरा अवसर, तो ये किस तरह से अवसर है आप लोगों के लिए जो MPSI की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं? तो मैं बता दूं कि उनके लिए जो है वो हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है। और हमने आपके पूरे ऐड का अवलोकन किया, तो मुझे लग रहा है, शायद आप लोगों को भी लगे आप वीडियो देखने पर, कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा से ये एग्ज़ाम काफ़ी जो है वो सरल है। और कुछ तो किन मामलों में ये आपके मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर से सरल है, तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए हम इसकी मोटी मोटी जानकारी ले लें। बाकी कोई भी जानकारी अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मेरा अवेलेबल है आपके पास इस वीडियो के माध्यम से, तो उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल ऐड वगैरह और भी जो जानकारी है मैटर है वो आपको मैं फ्री आपका सेंड कर दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, इनकी भारी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है। कुल पद अगर तीनों को मिला दिए जाएँ तो कुल पद हमारे हैं 9534, 9534, लगभग 9,500 के आसपास। काफ़ी काफ़ी पद हैं, इतने पर जनरली आते नहीं हैं। और जहाँ तक हम उपनिरीक्षक की बात करें तो उपनिरीक्षक जिसको अपन पुलिस सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, तो 9,000 से अधिक पद हैं। कितने पद हैं? 9,027 पद इसके आए हुए हैं। और प्लाटून कमांडर, इसके पद भी आपके 484 पद हैं, PSC का पद है ये। और अग्निशमन सेकेंड अधिकारी, इसके आपके 23 पद हैं। तो चलिए अब चलते हैं और आगे चलते हैं। पदों की संख्या काफ़ी है, होने की काफ़ी चांस हैं। एग्ज़ाम MP की अपेक्षा एग्ज़ाम जो है वो ये सरल है। और आयु, अगर हम आयु देखते हैं तो आयु जो है वो इसकी 21 वर्ष से 28 वर्ष तक, माने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। और आयु की गणना की जाएगी आपकी 1 जुलाई 2021 से, तो इससे आप गणना कर लीजिए। यदि आप 21 वर्ष के हो रहे हैं और 28 वर्ष से अधिक नहीं हैं, तो आप जो है वो इस सुनहरे अवसर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जहाँ तक इसकी अर्हता की बात है, शैक्षिक अर्हता की, तो इसके लिए कोई विशेष अर्हता नहीं है। स्नातक होना ज़रूरी है, BA, BSc, BCom या अन्य कोई भी ऐसी डिग्री जो स्नातक स्तर की है, यदि आपके पास है वो, तो आप बेहिचक इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। और जहाँ तक इसका बात है, सवाल है अग्निशमन द्वितीय श्रेणी अधिकारी की बात है, तो इसके लिए आपको विज्ञान से स्नातक होना आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं। शारीरिक मापदंड क्या हैं? कुछ शारीरिक मापदंड होते हैं, क्योंकि सशस्त्र बल की सेवा है ये, तो इसमें आपका जो है वो पुरुष के लिए कद जो है 168 सेंटीमीटर, MP सब इंस्पेक्टर में भी यही आपकी कद है। और जहाँ तक सीना की बात रही तो सीना जो है वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और 5 सेंटीमीटर फुलाना आवश्यक है, तो फुलाने पर सीना जो है वो कितना होना चाहिए? 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो महिलाओं को कद में छूट दी गई है, तो महिलाओं के लिए जो है वो 152 सेंटीमीटर। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो आप अगर 5 फुट से थोड़ा भी ज़्यादा हैं तो निसंदेह रूप से आप इसकी एग्ज़ाम दे सकती हैं, और सीने का नाप होता नहीं है। और हाँ, महिलाओं में एक चीज़ और इसमें विशेष रूप से मांगी गई है कि अभ्यर्थी का वजन जो है वो 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए।
और आगे चलते हैं। तो आवेदन आवेदन कैसे करना है अपन को, तो आवेदन जो है वो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं वीडियो के अंत में आपको जानकारी दूंगा। और आवेदन आपका 1 अप्रैल से शुरू हो गए हैं, इसके फॉर्म डालना जो है वो 1 अप्रैल 2021 शुरू हो गए हैं, और हाल में ही जो है इसकी डेट जो 30 अप्रैल थी उसको बढ़ा करके आपका 30 मई कर दिया गया है। तो एक अच्छा अवसर मिल गया है, बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं डाल पाए थे, हमारे ही छात्र काफ़ी मात्रा में इसका फॉर्म नहीं डाल पाए थे या उनको जानकारी नहीं थी। तो अब आप 30 मई रात्रि 12 बजे तक जो है इसका फॉर्म ऑनलाइन डाल सकते हैं। अब रहा इसका एग्ज़ाम, तो इसका एग्ज़ाम कैसा होगा, तो एग्ज़ाम इसका बहुत सरल है, MP की अपेक्षा बहुत जो है वो सरल है, मैं बाद में बताऊँगा। तो एग्ज़ाम डेट जहाँ तक बात है तो एग्ज़ाम डेट अभी घोषित नहीं की गई है, एग्ज़ाम डेट अभी घोषित नहीं की गई है। तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम हमको 3-4 महीने का तैयारी का अवसर मिलेगा, और इस 3-4 महीने में हम काफ़ी हद तक इसकी तैयारी आराम से कर भी सकते हैं। और प्रश्नों की संख्या जो लिखित परीक्षा होगी उसमें प्रश्नों की संख्या आपकी होगी 160 प्रश्न होंगे, और टोटल अंक होगा इसमें, टोटल अंक होगा आपका 400 अंक। कितना है? 400 अंक होगा। और इसका जो सिलेबस है तो इसका सिलेबस बहुत सिंपल है, जनरली SI से जो MPSI है उससे मिलता जुलता सिलेबस है। तो इसमें आपका जो है समान हिंदी आपकी, जैसा हम MPSI के लिए पढ़ते हैं उसी तरह से समान हिंदी हमको पढ़ना है, हो सकता है हमने काफ़ी हद तक इसकी तैयारी भी कर चुके हों। तो इसके कुल 40 प्रश्न रहेंगे आपके, और एक प्रश्न जो है वो 2.5 अंक का होगा। एक प्रश्न कितने अंक का होगा? 2.5 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल अंक जो है वो 100। तो इस तरह से आपका समान हिंदी के 40 प्रश्न 100 अंकों के, इसी तरह से गणित जो हम MPSI के लिए पढ़ते हैं, अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो इसके लिए भी वही गणित है आपकी, कोई विशेष गणित नहीं है। तो गणित में भी आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 40 प्रश्न होंगे, और अंक जो है आपके 100 ही होंगे। अब चलते हैं हम तीसरा, तो तीसरा इसमें जो है वो रीजनिंग है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, जनरली थोड़ा सा मेहनत करके हम इसको जो है वो आराम से तैयार कर सकते हैं। तो इसके भी आपके प्रश्नों की संख्या 40 ही है, और अंक आपके कितने हैं? 100 अंक हैं। अब जो चौथा प्रश्न पत्र है वो है आपका, थोड़ा सा यहाँ पे छात्रों में डाउट बनता है कि सर इसमें तो बहुत सारा ला है, इसमें हमको UP भी पढ़ना पड़ेगा। तो वही डाउट मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आपका इसमें आपका संविधान, तो संविधान लगभग वही संविधान है जो अपन GK GS में पढ़ते हैं, उसी से आपके उसी प्रकृति के क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं। अब जहाँ तक रही कुछ मूल विधि की, तो कुछ मूल विधि हैं, तो मूल विधि में जैसे आपका संविधान तो हो ही गया, आपका भारतीय दंड संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता है, और आपका आयकर अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम है आपका, कुछ भ्रष्टाचार अधिनियम, और आपका रासुका से संबंधित कुछ क्वेश्चन हुए, और थोड़ा सा आपको जो है वो एक भी कोई पतली सी बुक उपकार के लिए सकते हैं, किसी भी की लिखक के लिए सकते हैं, तो उस बुक में आप मोटा मोटा जो है वो यूपी का अध्ययन कर लें, तो काफ़ी हद तक आप इसको कर सकते हैं। और समान ज्ञान ये तो हम ऑलरेडी पहले से पढ़ते ही हैं, तो इस तरह से इसमें प्रश्नों की संख्या आपकी 40 होगी। और समानता ये देखने में आया है कि जो हमको डराते हैं, हमको कौन डराते हैं, हमको संविधान लिखा होता है वो डराता है, या जो मूल विधि है IPC CRPC, तो हम सोचते हैं सर इस इनको कैसे पढ़ेंगे, ये तो बहुत कठिन है। लेकिन देखने में ये आया है कि संविधान और मूल विधि से मुख्यतः रूप से 12 से 15 क्वेश्चन ही आपके 40 क्वेश्चनों में 12 से 15 क्वेश्चन ही रहते हैं, और बहुत मोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं। बाज़ार में आपकी बहुत सारा मैटर अवेलेबल है, एक कोई पतली सी बुक भी अगर आप ले लेंगे इनला से संबंधित, तो आप उसमें आराम से 50 से 60% क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। और बाकी यूपी के लिए, तो यूपी के लिए भी कोई पतली सी किताब ले लीजिए, और बाकी GK तो हमसे आता ही है। तो और चलते हैं आगे, अगर आप ऑनलाइन परीक्षा में कुछ मापदंड रखे गए हैं कि पर सब्जेक्ट जैसे हिंदी में या रीजनिंग या मैथ गणित या संविधान या GK वाले में आपको कम से कम जो है 35 अंक लाना अनिवार्य होगा। तो 35 अंक, 100 अंक में 35 अंक जो है वो बहुत कठिन काम नहीं है। और दूसरी शर्त जो ये रखी गई है कि टोटल जो है वो सिलेक्शन के लिए अगले चरण में जाने के लिए आपको जो है वो टोटल आपको 50% अंक जो है वो आवश्यक होंगे। तो 50% 400 का 50% कितना होता है आपका? 200 होता है। तो 200 अंक हम आराम से ला सकते हैं,
और अगर ये हम लिखित परीक्षा आराम से निकाल करके, हमारा दूसरा चरण है तो दूसरे चरण में हमारी जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, तो इसमें जो है केवल दौड़ रखी गई है। जबकि MPSI में देखते हैं तो MPSI में कई चीज़ें हैं, आपकी दौड़ भी है, आपकी लंबी कूद भी है, और आपका जो है वो गोला फेंक वगैरह भी है, तो उससे उतना जटिल नहीं है इसकी जो फिजिकल है। तो इसमें केवल जो है वो दौड़ है आपकी, और पुरुषों के लिए जो है आपका 4.8 किलोमीटर, कितनी दौड़ है 4.8 किलोमीटर, और इस दौड़ को हमको जो है 28 मिनट में पूरा करना है। तो आराम से हम कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लें तो आराम से हम इसमें कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए इसमें छूट दी गई है, तो महिलाओं को के लिए दौड़ की जो है वो दूरी आधी रखी गई है 2.4 किलोमीटर, और दौड़ में इनको जो है वो समय भी अधिक दिया गया है, तो 16 मिनट में जो है महिलाओं को ये दौड़ पूरी करनी है। तो अब हम ये देखते हैं कि MPSI से सरल क्यों है, तो सरल इसलिए है कि पहली बात तो MPSI में जो है वो पदों की संख्या आपकी, इतनी सारे पदों की संख्या आपका नहीं रहती, जैसे कि उपरीक्षक SI में आपकी जो है वो 9027 पद हैं। आप MPSI की बात करें तो MPSI मुश्किल से बहुत कम पद रहते हैं, उन्हीं पदों में हमको काफ़ी कंपटीशन करना होता है। तो पहला कारण तो ये हो गया क्यों सरल है। दूसरा है इसका कि इसका जो है वो इसमें आपकी इंग्लिश कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है जनरली जो छात्रों से हम बात करते हैं तो इंग्लिश से काफ़ी डरते हैं, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन आपके MPSI में आते हैं, और ये देखने में आया ज़्यादातर कि हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश के हैं, हम लोगों की इंग्लिश जो है उतनी मजबूत नहीं होती, तो इस प्रकार से हमारा कॉन्फिडेंस जो है एग्ज़ाम देने से पहले ही जो है वो डल हो जाता है। तो इसमें इंग्लिश नहीं है, दूसरी खास बात ये है कि इसमें आपका इंग्लिश नहीं है, और तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि शारीरिक मापदंड जो फिजिकल है इसका, तो फिजिकल इसका MPSI की तुलना में काफ़ी सरल है, क्योंकि इसमें मात्र जो है वो दौड़ है, अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो इस दौड़ को हम आराम से निकाल सकते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग है ये, बाकी सिलेक्शन हमारा जो है वो जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसी से आपका अंकों के आधार पर सिलेक्शन डिसाइड होगा। तो पदों की संख्या अच्छी है तो उम्मीद करते हैं कि कम नंबर में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, और आप जो है वो उत्तर प्रदेश के थानेदार बन सकते हैं, उत्तर प्रदेश के थानेदार बन सकते हैं। तो आपको कुछ बात समझ में आई होगी कि किस तरह से हम ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर छात्रों ने ये फॉर्म नहीं डाला है, वो बस MPSI का वेट कर रहे हैं। तो जो भी छात्र MPSI का वेट कर रहे हैं या MPSI की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो वो एक बार ये फॉर्म अवश्य डालें। जहाँ तक रही इसके ऑनलाइन परीक्षा के मैटर के बारे में, तो वो मैटर मैं अपने यूट्यूब चैनल में लगातार दे रहा हूँ, और अगर आप कोई एक्स्ट्रा मैटर चाहते हैं तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं या हमको कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस कमेंट का तुरंत लगभग कम समय में ही जो है उसका पालन करने का प्रयास करता हूँ। अब ये बात रही कि लॉकडाउन चल रहा है सर, इसका फार्म दुकानें बंद है, तो हम इसका फार्म कैसे डालें, तो उसके लिए हमने जो है वो एक हम यहाँ पे आपको नंबर दे रहे हैं, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए 9229846777। तो इसको नोट कर लीजिए 9229846777। ये हमारे रीवा का ही नंबर है, मोहम्मद तौसिफ हैं, तो आप घर बैठे ही जो है वो इनका व्हाट्सअप नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, और घर बैठे ही जो है आप ऑनलाइन के माध्यम से फीस का भुगतान करके, ऑनलाइन के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके आप आराम से इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर नोट कर लीजिए 930-930-281-2239। तो यदि कोई दिक्कत है तो समय जाइए, और मेरा ये एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, ख़ास तौर से मैं ये जानकारी देने के लिए इसलिए बाध्य हुआ हूँ कि ज़्यादातर लड़कों का बहुत अभी लॉकडाउन के दौरान ही बहुत सारे लड़कों का फ़ोन आया कि सर अब लगता है कि MPSI की वैकेंसी नहीं आएगी, तो उन्हीं लोगों के लिए है कि वो ये फार्म जो है वो उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक का फार्म डाल दें, और एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई हुई इसकी, तो काफ़ी हमको समय मिल रहा है, और मेरा YouTube चैनल को जो है वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, इसमें मैं काफ़ी हद तक जो है वो आपकी इस एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी हद तक हेल्प करूँगा। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आप लोगों से विदाई लेता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।